परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य के प्रत्येक चरण के अपने व्यवहारिक मायने हैं। जब यीशु का आगमन हुआ तो वो पुरुष रूप में आया, लेकिन इस बार के आगमन में परमेश्वर स्त्री रूप में आता है। इससे तुम देख सकते हो कि परमेश्वर द्वारा पुरुष और स्त्री दोनों का ही सृजन उसके काम के लिए उपयोगी हो सकता है। वो कोई लिंग भेद नहीं करता। जब उसका आत्मा आता है तो वो इच्छानुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है और वही देह उसका प्रतिनिधित्व करता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं यदि ये उसका देहधारी शरीर है। यदि यीशु स्त्री के रूप में आ जाता, यानी अगर पवित्र आत्मा ने लड़के के बजाय लड़की के रूप में गर्भ धारण किया होता, तब भी कार्य का वो चरण उसी तरह से पूरा किया गया होता। और यदि ऐसा होता तो कार्य का वर्तमान चरण पुरुष के द्वारा पूरा किया जाता और कार्य उसी तरह से पूरा किया जाता। प्रत्येक चरण में किए गए कार्य का अपना महत्व है। कार्य का कोई भी चरण दोहराया नहीं जाता है या एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। उस समय जब यीशु कार्य कर रहा था तो उसे इकलौता पुत्र कहा गया, और पुत्र का अर्थ है पुरुष लिंग। तो फिर इस चरण में इकलौते पुत्र का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि कार्य की आवश्यकताओं ने लिंग में बदलाव को आवश्यक बना दिया जो यीशु के लिंग से भिन्न हो। परमेश्वर लिंग के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता। वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और अपने कार्य को करते समय उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वो स्वतंत्र होता है, परंतु कार्य के प्रत्येक चरण के अपने ही व्यवहारिक मायने होते हैं। परमेश्वर ने दो बार देह धारण किया और यह स्वतः प्रमाणित है कि अंत के दिनों में उसका देह धारण अंतिम है। वो अपने सभी कर्मों को प्रकट करने के लिए आया है। यदि इस चरण में वो व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए देह धारण नहीं करता जिसे मनुष्य देख सके, तो मनुष्य हमेशा के लिए यही धारणा बनाए रखता कि परमेश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री नहीं। इससे पहले सब मानते थे कि परमेश्वर सिर्फ पुरुष ही हो सकता है। किसी स्त्री को परमेश्वर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारी मानव जाति मानती थी कि पुरुषों का स्त्रियों पर अधिकार होता है। वे मानते थे कि किसी स्त्री के पास अधिकार नहीं हो सकता, अधिकार सिर्फ पुरुष के पास ही हो सकता है। वे तो यहां तक कहते थे कि पुरुष स्त्री का मुखिया होता है, स्त्री को पुरुष की आज्ञा का पालन करना चाहिए और वो उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। अतीत में जब ऐसा कहा गया कि पुरुष स्त्री का मुखिया है, तो ये आदम और हव्वा के संबंध में कहा गया था जिन्हें सर्प के द्वारा छला गया था, न कि उस पुरुष और स्त्री के बारे में जिन्हें आरंभ में यहोवा ने रचा था। निस्संदेह स्त्री को अपने पति का आज्ञा पालन और उससे प्रेम करना चाहिए। उसी तरह पुरुष को अपने परिवार का भरण पोषण करना आना चाहिए। ये वे नियम और आदेश हैं जिन्हें यहोवा ने बनाया, जिनका इंसान को धरती पर अपने जीवन में पालन करना चाहिए। यहोवा ने स्त्री से कहा, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। उसने ये सिर्फ इसलिए कहा ताकि मानव जाति यहोवा के प्रभुत्व में सामान्य जीवन जी सकें, ताकि मानव जाति के जीवन की एक संरचना हो और वो
अपने व्यवस्थित क्रम में ही रहे। इसलिए यहोवा ने उपयुक्त नियम बनाए कि पुरुष और स्त्री को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। हालांकि ये सब पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी मात्र के संदर्भ में थे, न कि देहधारी परमेश्वर के देह के संदर्भ में। परमेश्वर अपनी ही सृष्टि के समान कैसे हो सकता था? उसके वचन सिर्फ उसके द्वारा रची गई मानव जाति के लिए थे। पुरुष और स्त्री के लिए उसने ये नियम इसलिए स्थापित किए थे ताकि मानव जाति सामान्य जीवन जी सके। आरंभ में जब यहोवा ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने दो प्रकार के मनुष्य बनाए, पुरुष और स्त्री। इसलिए उसके देहधारी शरीर में पुरुष और स्त्री का भेद किया गया। उसने अपना कार्य आदम और हव्वा को बोले गए वचनों के आधार पर तय नहीं किया। दोनों बार जब उसने देह धारण किया तो यह पूरी तरह से उसकी तब की सोच के अनुसार निर्धारित किया गया, जब उसने सबसे पहले मानव जाति की रचना की थी। अर्थात उसने अपने दो देह धारणों के कार्य को उन पुरुष और स्त्री के आधार पर पूरा किया जिन्हें तब तक भ्रष्ट नहीं किया गया था। सर्प द्वारा छले गए आदम और हव्वा से कहे गए यहोवा के वचनों को यदि मनुष्य परमेश्वर के देह धारण के कार्य पर लागू करता है तो क्या यीशु को अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम नहीं करना पड़ता जैसा कि उसे करना चाहिए था? इस तरह क्या परमेश्वर तब भी परमेश्वर ही रहता? यदि ऐसा होता तो क्या वो तब भी अपना कार्य पूरा कर पाता? यदि देहधारी परमेश्वर का स्त्री होना गलत है तो क्या परमेश्वर का स्त्री की रचना करना भी भयंकर भूल नहीं थी? यदि लोग अब भी मानते हैं कि परमेश्वर का स्त्री के रूप में देह धारण करना गलत है तो क्या यीशु का देह धारण, जिसने विवाह नहीं किया, जिस कारण वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पाया, ऐसी ही त्रुटि नहीं होती जैसा कि वर्तमान देह धारण है? चूंकि तुम यहोवा के द्वारा हव्वा को बोले गए वचनों को परमेश्वर के वर्तमान देह धारण के सत्य को मापने के लिए उपयोग करते हो, तब तो तुम्हें अनुग्रह के युग में देह धारण करने वाले प्रभु यीशु के बारे में राय बनाने के लिए यहोवा द्वारा आदम को बोले गए वचनों का उपयोग करना चाहिए। क्या वे दोनों एक ही नहीं हैं? चूंकि तुम प्रभु यीशु के बारे में उस पुरुष के हिसाब से राय बनाते हो जिसे सर्प के द्वारा छला नहीं गया था, तब तुम आज के देह धारण के सत्य के बारे में उस स्त्री के हिसाब से राय नहीं बना सकते जिसे सर्प के द्वारा छला गया था। ये तो अनुचित होगा। परमेश्वर को इस प्रकार मापना तुम्हारी विवेकहीनता को साबित करता है। जब यहोवा ने दो बार देह धारण किया तो उसके देह धारण का लिंग उन पुरुष और स्त्री से संबंधित था जिन्हें सर्प के द्वारा छला नहीं गया था। उसने दो बार ऐसे पुरुष और स्त्री के अनुरूप देह धारण किया जिन्हें सर्प के द्वारा नहीं छला गया था। ऐसा न सोचो कि यीशु का पुरुषत्व वैसा ही था जैसा कि आदम का था जिसे सर्प के द्वारा छला गया था। उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। दोनों भिन्न प्रकृति के पुरुष हैं। निश्चय ही ऐसा तो नहीं हो सकता कि यीशु का पुरुषत्व ये साबित करे कि वो सिर्फ स्त्रियों का ही मुखिया है, पुरुषों का नहीं। क्या वो सभी यहूदियों, पुरुषों और स्त्रियों सहित का राजा नहीं है? वो स्वयं परमेश्वर है। वो न सिर्फ स्त्री का मुखिया है बल्कि पुरुष का भी मुखिया है।
वो सभी प्राणियों का प्रभु और सभी प्राणियों का मुखिया है। तुम यीशु के पुरुषत्व को स्त्री के मुखिया का प्रतीक कैसे निर्धारित कर सकते हो? क्या ये ईश निंदा नहीं है? यीशु ऐसा पुरुष है जिसे भ्रष्ट नहीं किया गया है। वो परमेश्वर है, वो मसीह है, वो प्रभु है। वो आदम की तरह का पुरुष कैसे हो सकता है जो भ्रष्ट हो गया था? यीशु वो देह है जिसे परमेश्वर के अति पवित्र आत्मा ने धारण किया हुआ है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा परमेश्वर है जो आदम के पुरुषत्व को धारण किए हुए है? उस स्थिति में क्या परमेश्वर का समस्त कार्य गलत नहीं हो गया होता? क्या यहोवा ने यीशु के भीतर उस आदम के पुरुषत्व को समाविष्ट किया होगा जिसे सर्प द्वारा छला गया था? क्या वर्तमान देहधारण देहधारी परमेश्वर के कार्य का दूसरा उदाहरण नहीं है, जो कि यीशु के लिंग से भिन्न परंतु प्रकृति में यीशु के ही समान है? क्या तुम अब भी ये कहने का साहस करते हो कि देहधारी परमेश्वर स्त्री नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री ही सबसे पहले सर्प के द्वारा छली गई थी? क्या तुम अब भी ये बात कह सकते हो कि चूंकि स्त्री सबसे अधिक अशुद्ध होती है और मानव जाति की भ्रष्टता का मूल है, इसलिए परमेश्वर संभवतः एक स्त्री के रूप में देह धारण नहीं कर सकता? क्या तुम अब भी ये कह सकते हो कि स्त्री हमेशा पुरुष का आज्ञा पालन करेगी और कभी भी परमेश्वर को अभिव्यक्त या प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती? अतीत में तो तुम नहीं समझे, क्या तुम अब भी परमेश्वर के कार्य की, विशेषकर परमेश्वर के देहधारी शरीर की निंदा कर सकते हो? यदि तुम ये स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो अच्छा होगा कि तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ऐसा न हो कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता प्रकट हो जाए और तुम्हारी कुरूपता उजागर हो जाए। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ समझते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया है वो मेरी प्रबंधन योजना के हजारवें हिस्से को समझने के लिए भी अपर्याप्त है। तो फिर तुम इतनी ढिठाई से पेश क्यों आते हो? तुम्हारी जरा सी प्रतिभा और अल्पतम ज्ञान यीशु के कार्य में एक पल के लिए भी उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें वास्तव में कितना अनुभव है? तुमने अपने जीवन में जो कुछ देखा और सुना है और जिसकी तुमने कल्पना की है वो मेरे एक क्षण के कार्य से भी कम है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम आलोचक बनकर दोष मत ढूंढो। चाहे तुम कितने भी अभिमानी हो जाओ, फिर भी तुम्हारी औकात चींटी जितनी भी नहीं है। तुम्हारे पेट में उतना भी नहीं है जितना एक चींटी के पेट में होता है। ये मत सोचो चूंकि तुमने बहुत अनुभव कर लिया है और वरिष्ठ हो गए हो इसलिए तुम बेलगाम ढंग से हाथ नचाते हुए बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। क्या तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी वरिष्ठता उन वचनों के परिणाम स्वरूप नहीं है जो मैंने कहे हैं? क्या तुम ये मानते हो कि वे तुम्हारे परिश्रम और कड़ी मेहनत द्वारा अर्जित किए गए हैं? आज तुम देखते हो कि मैंने देह धारण किया है और परिणाम स्वरूप तुम्हारे अंदर ऐसी प्रचुर अवधारणाएं हैं और उनसे निकली अवधारणाओं का कोई अंत नहीं है। यदि मेरा देह धारण न होता तो तुम्हारे अंदर कितनी भी असाधारण प्रतिभाएं होतीं
तब भी तुम्हारे अंदर इतनी अवधारणाएं नहीं होती। और क्या तुम्हारी अवधारणाएं इन्हीं से नहीं उभरती? यदि यीशु पहली बार देह धारण नहीं करता तो क्या तुम देह धारण के बारे में जानते? क्या ये पहले देह धारण के तुम्हारे ज्ञान के कारण ही नहीं है कि तुम ढिठाई से दूसरे देह धारण के बारे में राय बनाते हो? तुम एक आज्ञाकारी अनुयायी बनने के बजाय इसकी जांच क्यों कर रहे हो? जब तुमने इस धारा में प्रवेश कर लिया है और देहधारी परमेश्वर के सामने आ गए हो, तो क्या वो तुम्हें खुद की पड़ताल करने देगा? तुम अपने परिवार के इतिहास की जांच कर सकते हो, परंतु यदि तुम परमेश्वर के परिवार के इतिहास की जांच करते हो, तो क्या आज का परमेश्वर तुम्हें ऐसी पड़ताल करने देगा? क्या तुम अंधे नहीं हो? क्या तुम स्वयं तिरस्कार के भागी नहीं बन रहे हो?